जनाब जैसा कि देख सकते हैं कि देहाती माहौल में किस तरह मिठाई का स्टॉल लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं तो इस तरह से ये देखें जी जनाब हयार रखी गए ये तो माहौल बड़े ईद इंजॉय करते हुए दुकानदार हजरात इनका भी टाइम लगा सेवियाँ वगैरह खाने का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचा? भैया तबीयत भी है ठीक है। तो ये यहाँ के ऑनर हैं माशाल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखती आंखों सुनते कानों को चौधरी असद अमानत अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। व्यूवर आज ईद का दिन है तो सुबह सुबह का टाइम है, नमाज वगैरह पढ़ लिया है, तो मैंने कहा क्यों ना आज व्यूवर के साथ ईद का पूरा दिन शेयर किया जाए। आज कैसे कैसे ईद गुजरेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब फजर की नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब क्या करते हैं, अब कब्रिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पे कब्रिस्तान जाएंगे, दुआ मांगेंगे, उसके बाद ईद नमाज की तैयारी करेंगे, शॉप पे जाएंगे, ईद नमाज पढ़ेंगे और जितनी भी मसरूफियात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूवर आज की वीडियो तो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है और इसके साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, तो आप चलते हैं कब्रिस्तान और बाद में जो भी मसरूफियात होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब्दुल्ला आना फाइनली जनाब हम कब्रिस्तान से आ गए, सेवी वगैरह खा ली और तैयारी कर ली। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तो अब हम जाएंगे शॉप की तरफ, शॉप पे चलते हैं और वहाँ का माहौल भी शेयर करेंगे। और आपने ये बताना है कि मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, सही सिले हैं कि नहीं सिले। अब चलते हैं शॉप की तरफ और जो वहाँ का माहौल होगा शॉप के ऊपर वो भी शेयर करेंगे, जहाँ पे ईद नमाज पढ़ेंगे आपके साथ वो भी माहौल शेयर करेंगे। आपने बस मेरी वीडियो के साथ जुड़ा रहा और सेकंड टाइम आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो कि मैं बाद में आपको साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आज हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू, अब चलते हैं शॉप की तरफ। तो व्यूअर आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि आज मौसम बहुत ही सुहाना है, अल्लाह ताला का ख़ास करम है माशाल्लाह ईद का मौका, और मौसम देखें कि कितना प्यारा है। तो मैं शॉप के लिए निकल रहा था, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये माहौल शेयर करता चलूं। आप मौसम देख सकते हैं हर तरफ बादल ही बादल बने हुए हैं, तो ज़रा देखें और माहौल फिर बताना कि इतना प्यारा मौसम, ईद का मज़ा ही दुबाला हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह हर तरफ बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम देखें, नज़ारा देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत मौसम, ये दरख्त कित हर चीज़, यानी कि बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। आज तो अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी। तो ये देखें बहुत प्यारा मौसम, अब तकरीबन धान की तैयारी भी शुरू हो गई है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये ज़मीन किसानों ने हल चलाए हुए हैं, तो ये देखें मौसम जी।
जनाब जैसा कि देख सकते हैं कि देहाती माहौल में किस तरह मिठाई का स्टॉल लगा हुआ है। हाँ। चाचा बशीर क्या हाल है? तबीयत भी ठीक है? क्या रेट लाई खड़े मिठाई का? देखें जी ये माशाल्लाह कारीगर खड़े हुए हैं मौलाना सरफराज साहब, माशाल्लाह बहुत मेहनती इंसान है और इन्होंने ये सारी मिठाई खुद तैयार की है और सस्ते दामों पे लगाई हुई है। तो देहात में तो इस तरह से स्टाल लगते हैं, ईद हो गया, मेला हो गया, इस तरह के फंक्शनों पर। और सरफराज भाई क्या हाल है? कुछ हमारे व्यूअर को कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने गोश्त का फटा लगा हुआ है और माशाल्लाह आज के दिन तो हर गरीब अमीर जो है ना वो लेता है कोई कम या कुछ ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कि नाजरीन ये किस तरह से रश लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो तीन कट्टे होते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं तो इस तरह से ये देखें जी जनाब हया रखी गणे ये तो माहौल बड़े ना भी थोड़ा देखो मैं तो आपको कितू थोड़ी पूरी दुनिया च दिखावने तो सा मेरे को रियायत नहीं वे करें दे क्या। तो व्यूअर अभी तो ईद का टाइम नज़दीक नहीं आया, आप देख सकते हैं कि हर तरफ चहल पहल है, कुछ लोग गोश्त वगैरह लेने के लिए आए हैं क्योंकि देहात में सुबह सुबह मिलता है बाद में ये मुयसर नहीं होता। कुछ लोग मिठाई जैसे कि एक दूसरे घर देने के लिए आप देख सकते हैं। और ऊपर से माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है, ईद का मज़ा ही दोबारा हो गया है। किवें चाचा मौसम आज अल्लाह ताला किवें बढ़ाए, मज़ा नहीं आ गया? वैसे पूरा माह रमज़ान ही ठंडा गुजरे, एक डूडी गर्मी पई है इवें ना। तो जैसा कि व्यूअर आप ये देख सकते हैं कि ये तरबूज का स्टॉल लगा हुआ है। तो आज हर बंदे की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ लगाया जाए। देखें ये नन्हे मुन्ने बच्चे छोटे छोटे मिठाई लेके आए, अब खा रहा। सुना छोटू क्या हाल है, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? रसगुल्ले खा रहे हो? ईद मना रहे हो? तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप ईद इंजॉय करते हुए दुकानदार हजरात, इनका भी टाइम लगा सेवियाँ वगैरह खाने का। ये आप सामने मुअज्ज़ज़ मेहमान खुसूसी गुल हसन बुखारी साहब। गुल हसन बुखारी साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या पी रहे हो? ये समियां जी, कोरोना हो गई है। अच्छा गरम गरम समियां पी रहे हो? अच्छा माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये लोग जितने बैठे सब सेवियां खा रहे हैं और हमारे पीर जनाब इज्जत महाब गुल हसन बुखारी साहब सेवियां पी रहे हैं। ये सब कोरोना का कमाल है भाई। तो व्यूअर जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा माहौल भाई ने बनाया है, बेकरी के लिए खूब सजावट की है और माशाल्लाह इनकी हर ईद पे खसूसी डिस्काउंट होता है। और सजावट देखें, ये देहात में तो इस तरह ही होती है, यानी कि शीशे वगैरह का तो माहौल होता नहीं है। तो ये देखें जी माशाल्लाह किस तरह से सजावट की हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचा? भैया तबीयत भी है ठीक है? तो ये यहाँ के ऑनर हैं माशाल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जलेबी है, रोल वगैरह बनाए हुए हैं, समोसा है, पकौड़ा है, ये देखें जी। और इससे हट के मिठाई की माशाल्लाह सेटिंग आप देखें, ये देखें जी। सुनाओ जी क्या हाल है, खुश हैं? ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी सेटिंग की हुई है। तो ये तकरीबन एक महीने की मेहनत होती है और कोशिश होती है कि ईद पर चलो कुछ चार आने हो जाएं,
ये माशाल्लाह एक महीने से मुसलसल मेहनत में भाई लगे हुए थे, अल्लाह ताला इनको इनकी मेहनत का फल दे। सुनाओ जी क्या हाल है सही? मुबारक दे गया। ईद मुबारक सही तो आपको। हर बंदा ये अपनी मेहनत में लगा हुआ है, जो जिसका काम है उसकी कोशिश होती है। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है भैया? ये देखें ये हमारे जी, ये भी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला साहब को इनकी मेहनत का सिला दे जी। ये देखें माशाल्लाह ये बिरयानी और दही भल्ले फ्रूट चाट। ये जी हमारे इधर का माहौल, ये माशाल्लाह चिकन बिरयानी। अस्सलामु अलैकुम चाचा सईद, क्या हाल है? ईद मुबारक है सईद। खैर मुबारक, खैर मुबारक, रोजा दी मुबारक है, ईद मुबारक। आबद भाई क्या हाल है? साड़ी तरह से ईद मुबारक। तो ये है जी हमारे शॉपकीपर आबद भाई। ये जी माशाल्लाह ब्लेलर एंड फ्रूट सब्जी शॉप, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आज हर बंदा ही अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। सुनाओ जी क्या हाल है? ये हमारी शॉप की लुक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह मोबाइल एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। ये माशाल्लाह मलक अदनान सर, आज तो सही वाल लिख रहे होते वे सही। अदनान बेटा बल्ब भी बाल लो, पहला भी बल्ब बालो। वालेकुम सलाम। ये जी हमारी शॉप का कुछ सीन था जो मैंने आपको दिखाया। क्या हाल है मलक साहब? ईद मुबारक है सही। मलक साहब तो क्या थे गए, क्यों चली होते वे क्यों नेट दे? ये जी कुछ अंदर से मनाजर जो मैंने आपको दिखाए। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ईद का रश तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हर कोई ईद नमाज पढ़ने और सामान वगैरह लेकर अपने अपने घरों को रवाना हो चुका है। तो आज के व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। और ये देखें जी, तो इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही आपको चौधरी असद अमानत अली इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।